सो हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड यस, मैं बहुत ज्यादा बिजी था ये कुछ कुछ 2 हफ्ते। तो यस, अभी मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी रेगुलर व्लॉग कर सकूं। बिकॉज़ आई वाज बिजी कि मैं अपना फ्लैट ढूंढ रहा था एक दोस्तों के साथ एंड मुझे फ्लैट मिल चुका है। मैं आपको इसका रूम टूर भी दे दूंगा एंड ये कहा है मैं इनके साथ रह रहा हूँ, सब कुछ डिटेल्स से व्लॉग में मिल जाएगा। एंड यस, आज है 5th सितंबर, हैप्पी टीचर्स डे वो उन सब गुरु को जिन्होंने मुझे गाइड किया था और उनको भी जिन्होंने मुझे गाइड नहीं किया। मैं अभी कॉलेज के लिए वापस लेट हो चुका हूँ। एज यूजुअल मेरा लैब मिस हो चुका है, आई एम सो सॉरी। मेरे को व्लॉग में रिवील करना पड़ रहा है एंड बिकॉज ऑफ कॉज कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था एंड सबको पता है क्या हुआ था। क्या करें, अभी मैं आपको कुछ रूममेट से मिलाऊंगा जो मेरे दोस्तों के दोस्त आए हैं। उसमें से एक जन का बर्थडे आज, एक दो दिन के लिए स्टे कर रहे थे इधर लोग, फिर अभी आज ये लोग जाएंगे तो लेट्स गो, उनसे मिलते हैं। फिर आपको मैं रूम टूर दे दूंगा, शायद से मैं शाम को दूंगा रूम टूर, अभी नहीं दूंगा बिकॉज अभी सब मेसी है एंड अभी काम वाली दीदी आएगी साफ करेंगी। उनके बाद चलो गाइज मिलते हैं सबसे। सो गाइज, एंड मेरे को कुछ जनों से मिलाना है आपको, उसमें से फर्स्ट आपसे मिलाना है सीधा इनसे। सो गाइज, कुछ जन बहुत ज़्यादा ही कैमरा शायद थे तो उन्होंने व्लॉग में आने से इनकार कर दिया। गजब घोर बेइज्जती हो गई मेरी, गजब बेइज्जती है। तो मैं जो एक्चुअली मैं मेरे रूममेट्स है उनको मैं कल दिखाऊंगा या फिर आज शाम को दिखा दूंगा, पता नहीं। वो लोग कैमरा शाय है तो दैट्स व्हाई वो लोग व्लॉग में नहीं आए। तो मैं अभी फटाफट तैयार हो जाता हूँ एंड कॉलेज को निकलता हूँ। बहुत दिनों बाद कॉलेज जाऊँगा, कॉलेज में बहुत दिनों तक मुंबई में था। यस, सेम स्टोरी जैसे लास्ट ईयर हुआ करती थी। सो यस, लेट्स गो एंड इन्जॉय द व्लॉग। तैयार हो चुका हूँ एंड आई एम लीडिंग टूवर्ड्स कॉलेज। मेरे बहुत दोस्त लोग, सारे दोस्त लोग कॉलेज नहीं आए, मतलब लेक्चर वो लोग वो भी बंक करते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी कॉलेज लाइफ जी नहीं, इनको पढ़ना नहीं है। अटेंडेंस मार्क कोई कर रहा है मेरा, पता नहीं। अभी मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट ईयर में एकदम, मतलब सोचा था कि मैं सेकेंड ईयर पढ़ूंगा, चालू तो किया था एकदम स्पीड में, बट पता नहीं वो होता है। माफ़ कर दो। हमारे दो दोस्त तो है बट मैं उनको दिखाऊंगा नहीं। अरे सो जाओ। अरे वहाँ का सब, जैसे मैं कैमरा लाया वो लोग चादर के अंदर घुस गए। मैं अपने रूममेट्स कल रिवील करूंगा या शाम को रिवील करूंगा और जो थोड़े कैमरा शाय है एंड अभी वो ऐसी कंडीशन में नहीं है ताकि मैं उनको दिखा सकूँ। गाड़ी डाल रहे वो लोग, कोई बात नहीं गाइस। अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ एंड या अभी नाश्ता वास्ता करना है बिकॉज मम्मी ने बोला कंपल्सरी है कि नाश्ता करे बिना अगर तू कॉलेज गया तो बहुत गाली पड़ेगी। सो यस, लेट्स गो। हेलो गाइस, आई एम विद श्रुति। मैं दिन का फर्स्ट लेक्चर बैठ रहा हूँ। ये लोग लैब बैठ चुके हैं, आई गेस लैब बैठी है। देखो इतने पढ़े लिखे एकदम, मतलब हम गवार। और मैं भी ऐसे, मैं फर्स्ट लेक्चर बैठा हूँ अभी बहुत दिनों बाद कॉज अटेंडेंस के लिए बस। एंड मैं सबको देख रहा हूँ कि सब नोट्स लिख रहे हैं एंड मेरी फट चुकी है कॉज ये सब्जेक्ट मुझे कुछ नहीं आता और एग्ज़ाम है नेक्स्ट वीक। गाइस, मैं अपना व्लॉग इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ बॉयज़ टॉयलेट में, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला क्लासरूम में शूट करने का बिकॉज सर आ गए एंड लेक्चर स्टार्ट हो गया। 11:30 को मेरा लेक्चर था और ख़त्म हो चुका है। एनी ट्वेंट ग्रेड बहुत अच्छा गया और सर ने बोला था कि इसकी हमारी मिमिक्री करो एंड एक लड़का गया सर की मिमिक्री की, मुझे भी जाना था बट मैं डर गया एंड hey guys, oh my god guys, finally बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ और ये इसको तो कोई जान, सब जानते हैं मेरे से ज़्यादा लोग इसको जानते हैं। क्या करे गाइस, PM के ब्लॉग्स पराग मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त, जाके देखो इसको। फाइनली ये ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा बिकॉज़ अभी एडिटिंग करना पड़ना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करो, नहीं करूंगा सालो, तब मारूंगा ना इसको मारूंगा मैं अगर तुम लोग नहीं सब्सक्राइब करो। पहले इसको करो बिकॉज़ इसके भी 3K तो टच हो गए, नहीं होने के, हो गए ऑलमोस्ट 400-500 कुछ हो जाएंगे, 5K भी 10K फिर आ जाएगा सिल्वर प्ले बटन मेरे से पहले गाइस। इतने बड़े ख्वाब मत देखो तुम तो गाइस, बहुत अच्छा बंदा है, लाइक उसको एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है। GoPro से एडिटिंग GoPro से शूट करता है, मैं कट कर दूंगा, GoPro से शूट करता है और प्रीमियम रूपए जो एडिट करता है माँ की। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत मेहनती बंदा है, बहुत मेहनती बंदा है। ये होता है कोलैबोरेशन, वो भी कोलैब कर रहे थे। और मैं बोल रहा था कि ये पहला बंदा है जो व्लॉग वॉग बनाया, थोड़ा हिम्मत तो दिखाया बंदे ने। तू भी तो है भाई,
मैं तो कर रहा हूँ ना, तू दिखाया मतलब तू शुरू तो किया अभी थोड़ा। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, जो जो भी है अगर इसका हो जाएगा सब्सक्राइब करके तो मेरे चैनल पे भी आके थोड़ा देख लेना कंटेंट, अगर अच्छा लगे तो। मेरे जितने व्यूअर्स हैं सब जानते हैं तुझे, सब जानते हैं तुझे, अभी कल देखना तू बड़े आएंगे मतलब ऐसे बस। कल इंडक्शन प्रोग्राम है गाइस, कल इंडक्शन प्रोग्राम है तो कल आप हम दोनों से मिलना, अगर ये ब्लॉग तो लेट आएगा ऑफ कोर्स, बट फिर भी बोल देता हूँ। और मेरे चैनल पे अभी जो वीडियो आएगा अभी 15 अगस्त वाला, नहीं सॉरी 13 अगस्त वाला, बस ये बहुत लेट एडिटिंग चालू है। चलो गाइस मिलते हैं। ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू टीचर्स डे के इस अवसर पर आई एम विद अक्षिता नायक। एज यूजुअल हर व्लॉग में आना जरूरी है दीदी को, वरना व्लॉग नहीं चलता मेरा। तो मेरे को लोग मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करते हैं कि कॉमिक शर्मा से आपको देखा। उफ, बस यही नहीं कहना था। अच्छा। ओके सो गाइस, हैप्पी टीचर्स डे सबको जिन्होंने मुझे लाइफ में हेल्प किया, गाइड किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी हैप्पी टीचर्स डे। यस उफ। एंड अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन कुछ खाने के लिए, बिकॉज कल बहुत बड़ा इवेंट है। ओके इवेंट, थैंक क्यों अक्षिता दीदी, मैं पहली बार थैंक यू कहना चाहूँगा मेरी मॉम को, मॉम से आते हैं साथ कैसे ये आते हैं। सो मैं रैंक दूंगा अपने लाइफ में कि कैसे कैसे मुझे लोगों ने गाइड किया। सो फर्स्ट मेरे पेरेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे टू देम, उनका बड़ा योगदान है मुझे बड़ा करने का। फिर आते हैं मेरे स्कूल और क्लासेस के टीचर्स जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, जिन्होंने बताया कि पढ़ाई कैसे होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर कोई किसको कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे तीन फेवरेट लोग तुमने बताया था मुझे। ओ वो बताना जरूरी है था। मुझे मेरी मम्मी ने बोला है कि कुछ अच्छा खाने के लिए, सो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ डोसा। आप क्या खा रहे हो? और आज मैं ये ओथ लेता हूँ, ओथ कि आज दो दिन या फिर एक हफ्ता एटलीस्ट ब्लॉग में गाली नहीं दूंगा, और अगर गाली दिया तो कुछ क्या क्या कर सकते हैं, मारा मारी नहीं है, नो वायलेंस, गांधी जी ओपी भाई। तू मुझे पार्टी देगा? डन, मैं अक्षिता को मोमोज खिलाऊंगा। पार्टी मतलब मेरी पार्टी, मेरी मर्जी। आप दा अरुण एक कट हो जाएगा। अच्छा ओके चलेगा, मैं दीदी को पर्सनली पार्टी दूंगा अगर मैंने गाली दी तो व्लॉग में, पर्सनली नहीं। मैं कॉलेज से फ्लैट जा रहा हूँ, मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है शूट करने के लिए, और कॉलेज में थोड़ा बहुत इवेंट चालू है, वो भी शूट अच्छे से नहीं किया, थोड़ा बहुत कर लिया शूट, बट या उन्हें बैटरी नहीं थी, इसके लिए मैं जा रहा हूँ कॉलेज अभी घर पे, चार्ज करूँगा, रूम का टूर दूंगा। और सो यस, कल फ्रेशी लोग आ रहे हैं फाइनली, उनका इंडक्शन प्रोग्राम है, उनके लिए अभी मैनेज वगैरह करना है, डिसिप्लिन टीम में डाल दिया है। मेरे फ्लैच की लिफ्ट है गाइस, मैं जा रहा हूँ नीचे, कुछ भूख लगी है कुछ लेने के लिए, लेक्चर तो अभी है नहीं, कॉलेज में फंक्शन चालू है, और बस जाके अभी सो जाऊंगा, एडिटिंग करूंगा, पढ़ाई करूंगा, ब्लॉग करूंगा। और या गाइस, फोन एकदम सेक्सी है, फोन मेरे दोस्त का है, एंड फोन में बहुत अच्छी रोशनी आ रही, रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरा फोन पता नहीं खराब हो गया कैमरा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई हाउस टूर, और मैं कहाँ रह रहा हूँ मैं बताने वाला हूँ। मैं रह रहा हूँ नैनो होम्स में, वो है रावत ब्रिज के पास, एंड हम चार दोस्त मिलकर रहते हैं। सब रेंट रेट बताता हूँ, 20,000 रेंट है, 40,000 डिपॉजिट दिया हुआ है। ये अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए थी, बट मैंने फिर भी दी है, कॉज बड़े हो के अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर आपको आना होगा तो आप आ सकते हो, बट ये फ्लैट में छोड़ा नहीं तो आपको ये फ्लैट मिलेगा नहीं, सॉरी। मैं रूम टूर देता हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ दिख जाए ऐसी अनहाइजीन या फिर कुछ ऊपर नीचे, वो मेरी नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, मम्मी प्लीज़ दैट इज़ नॉट माइन, सो मुझे माफ़ करना अगर कुछ बोले देखने तो कुछ है क्या। एक हाँ, एक जन है येलो हुडी में, उसको इग्नोर करना, उसको मैं दिखाने नहीं वाला पर कौन है वो। तो लेट्स बिगिन विद द होम टूर। ये दरवाज़ा है, इससे आप अंदर आओगे, इसके बाहर फ्लोर है, इसके अंदर ये 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 घर है, उधर कोई तो बैठा है उसको इग्नोर करो। ये कौन है, कोई तो वो बंदा बैठा है, पर द थिंग इज़ कि उसको कैमरा शाय है वो, एंड ही डजंट लाइक टू बी इन द कैमरा। इधर चप्पल जूते पड़े हैं, ये है गैलरी बहुत बहुत अच्छी है, इधर टॉवेल इग्नोर करो इसको भी, ये गैलरी है गाइस। आप इसे इग्नोर करना कॉज वो इंट्रोवर्ट है। ये है किचन, बर्तन धुल गए हैं, ये आगे से राइट है, ये है, ये भी जान दो इसको। ये है मेरा रूम जो थोड़ा मेसी है गाइस, आपको एक चीज़ बताऊँ,
लगा ले सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती। मेरा रूम था जो है ये देख लो गाइस, बड़ा मैसी है, अच्छा है रूम। और मैं अपने दोस्तों का रूम दिखा देता हूँ एक बार, उनका कुछ प्राइवेट चीज़ नहीं दिखाऊंगा बिकॉज़ वो लोग ऑफेंड ना हो जाए। लाइट किधर है? अरे ये और बाहर गणपति का विसर्जन चालू है, इसके लिए आपका आवाज़ आ रहेगा तो सॉरी फॉर डैट। ये है उनका रूम, मैं एक और कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं है, 2 BHK है एंड मैं बहुत अच्छी जगह पे रह रहा हूँ पहले से तो। बट द थिंग वॉज आई एम मिसिंग माई सीनियर्स, जो लोग पहले थे, शानिल भैया, बाबा भैया, जल्दी मिलते हैं। एंड या फिलहाल के लिए तो इतना होम टूर बहुत है, और जब जब रूममेट्स आएंगे तब उनको भी दिखा देंगे। और मैं जाता हूँ कुछ खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आई कॉल्ड अक्षिता पर तो बहुत लेट हो चुकी है, इसके लिए मैं अकेले जा रहा हूँ, शायद वो आ जाए। सो बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे। सो हे गाइज, वेलकम बैक। एंड कॉलेज में जो फंक्शन हुआ था आपको थोड़ा उसका ग्लिम्प मैं दिखा दूंगा, मैंने अपने दोस्त से क्लिप लिए, इग्नोर करो वो मेरे कपड़े नहीं है, मेरे दोस्त के कपड़े हैं। एंड यस, ये रहा वो कुछ ग्लिम्प्स जो आज कॉलेज में फंक्शन हुआ उसका। Got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. सो हाय गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 1:30, मेरा सब काम हो गया है, आज का दिन बहुत फन, बस शूट नहीं कर पाया। कल आई ट्राई माई बेस्ट टू शूट। एंड यस, अब मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ एंड मुझे 6 घंटे में सुबह उठना है। इग्नोर दिस पिंपल कॉज ऐसा ही होता है, जब भी कोई फंक्शन आता है कॉलेज में या फिर कुछ होता है उसको आना जरूरी है, मतलब कोई बात नहीं, सॉरी। Time, there's no turning back.